हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ का एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने एक क्वेश्चन पहले कवर किया हुआ है, नाउ दिस इज सेकंड क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के केस में हमें पूछा हुआ है कि के की क्या वैल्यू पॉसिबल है। हमने इसका स्टार्ट किया सॉल्यूशन बजे, तो ध्यान रखना है सबसे पहले इक्वेशंस में तुमने एक्स वाई की टर्म्स और कांस्टेंट इनके एक ही तरफ होना चाहिए। जैसे कांस्टेंट्स अगर हमारे राइट साइड में है तो दोनों इक्वेशंस में कांस्टेंट राइट साइड में, अगर लेफ्ट में है तो दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट में होना चाहिए, और एक्स एंड वाई हमारे लेफ्ट में ही हम रखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने देखा ठीक से लिखी हुई है, सो इट इज 2x + 3y इज इक्वल्स टू 4, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी है k + 2 into x plus 6 into y is equals to 3k plus 2. तो x y की टर्म्स हमारी लेफ्ट साइड में और कांस्टेंट्स हमारे राइट साइड में, तो ध्यान रखना है कांस्टेंट शुड बी ऑन द सेम साइड ऑफ इज इक्वल टू फॉर बोथ द इक्वेशंस। अब यहां से हम पहले a1 b1 c1 लिखेंगे। a1 क्या होता है, जो x के साथ है, दैट इज 2। b1 क्या है यहां पर, जो y का कोएफिशिएंट है, दैट इज 3। और c1 क्या है, कांस्टेंट विच इज 4। सेकंड इक्वेशन से भी ऐसे लिखेंगे a2, सेकंड इक्वेशन की टर्म्स को हम a2 b2 एंड c2। तो a2 क्या है, k plus 2, b2 कितना है, दिस इज 6, अगर कहीं माइनस वगैरह है तो वो भी लेना तुमने। और c2 क्या है, जिस टर्म में x और y नहीं है वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो c2 ये पूरा का पूरा आ जाएगा 3k plus 2। ठीक है, अब हमने लिखना है according to question the equations, given equations have क्या बताया हुआ है, infinitely many solutions। infinitely many solutions है, तो क्या आ जाएगा, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। तीनों इक्वल होते हैं अगर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो ये एकदम से याद करके रखना तुमने। इनमें अब हमने ये जो वैल्यूज हमने लिखी है यहाँ पे, ये सब पुट कर देनी है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया 2 upon a2 कितना है, k plus 2, this is equals to b1 is 3 upon b2 is 6, c1 कितना है, 4 upon 3k plus 2। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है k, तो हमने यहाँ इन दोनों को ले लेना है, 2 अपॉन k प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ये तो कट जाएगा इधर, तो ये आ गया 1 अपॉन 2, एंड इसी तरह से 1 अपॉन 2 इसके भी इक्वल है, तो ऐसे भी लिख दिया। अब दोनों से सिंप्लीफाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 इज इक्वल्स टू k प्लस 2, तो देख सकते हो कितना आ गया हमारा, 4 minus 2 is equals to k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, k is 2, 2 आ गया इधर से, इसी तरह से यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 3k plus 2 is equals to हो गया 8, तो 3k कितना आ गया, 8 minus 2 हो गया इधर, तो आ गया हमारे पास 3k is equals to 6, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 upon 3, तो k is 2। तो हमने देखा दोनों से k की वैल्यू सेम आ गई है, अगर अलग अलग वैल्यू आएंगी तो हमने लिखना है नो वैल्यू ऑफ k कैन मेक द इक्वेशंस हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, पर अब हमारे केस में दोनों से, हमने इसको लिख दिया फर्स्ट और इसको लिख दिया सेकंड, दोनों से हमारे आंसर सेम आ गए हैं, तो हमने क्या कंक्लूड किया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड k is equals to 2, ये k की वैल्यू क्या करेगी, गिवन इक्वेशंस को हमेशा इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस में कन्वर्ट कर देगी। तो समझ आ गया बच्चे, तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, सो दैट जैसे ही नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैं अपलोड करूंगी, तुम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली पहुंच जाएगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।